अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। कहा वो मुस्लिम और यादव को भाजपा का डर दिखा करके वोट देने के लिए विवश करते हैं, लेकिन यादव जितना जातिवादी है उससे अधिक राष्ट्रवादी और हिंदूवादी है। वो मुस्लिम भी समझ गया है, इसलिए दोनों 2024 में नरेंद्र मोदी को जिताने में मदद करेंगे। अगर कोई नोटिस दिया है तो सरकार उसका जवाब देगी, लेकिन हमारी सरकार का यही प्रयास है कि चाहे वो मदरसे ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं और प्रदेश के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। हम लोग चाहते हैं कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, देश के सेवक बने, लेकिन कुछ तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले उसमें लगातार अड़चन डालते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय का जो भी नोटिस होगा मुझे मालूम नहीं, सवाल के जवाब में क्यों नहीं कह रहा है कि उसका जवाब कांग्रेस जैसा करती थी सत्ता में रहने पर वह सोचती है वैसा ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भी सरकार करती है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनकी सरकार एक तानाशाह सरकार हुआ करती थी और हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार है। इस सरकार के समय जो न्यायालय का काम है अपना न्यायालय करता है, जो संवैधानिक संस्थाओं का काम है वो अपनी संस्थाएं करती हैं और चारों स्तंभ मजबूत हैं, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे आप सब हमारे मीडिया को देखते हैं, एक अच्छी दिशा में जब देश प्रदेश प्रगति कर रहा है या विकास बिल्कुल बच नहीं रहा है, सही नहीं हो रहा है, वह आज विरोध कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आरोप है वह सच है, उन्होंने सारी कोशिश करके कि किसी भी तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी को आरोपी बना करके उनके खिलाफ फर्जी आरोप सजा करके और उनको जेल भेज दिया जाए, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। और जब देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया कि उस समय जो दंगे हुए थे उसमें मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे जो शासक का दायित्व होगा उसका निर्वहन किया और सभी इस प्रकार के आरोपों से देश की सर्वोच्च अदालत बनी। देखिए उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और कोई भी आरोपी, मैंने कहा पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूँ कि पाताल के नीचे भी जाके जमीन के नीचे छिप जाएगा पाताल में तो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें खोज जाएगी। समय लग रहा है ये हम जानते हैं, लेकिन पकड़े जरूर जाएंगे और कानून के अनुसार उन्हें और कम सजा जरूर मिलेगी। अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है वह दो जातियों को यह समझते हैं कि एक तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनको वोट देने की सजा मजबूर रहे और दूसरा हमारे यादव भाइयों के लिए उनकी व्यवस्था रहे। लेकिन हमारी सरकार में जो कार्य हुआ है बगल इंडिया सरकार में सबका साथ सबका विकास, और मैं गर्व से कहता हूँ, मैं तो अपने बहुत सारे यादव मित्रों को भी जानता हूँ, जितने वो जातिवादी हैं उससे ज्यादा वो राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी हैं। आप देखना 2024 के चुनाव में जहाँ साइकिल 2022 में कुछ जगह चल गई थी वहाँ भी साइकिल पंचर नजर आएगी और 80 की 80 लोकसभा सीटों में कमल खिलेगा। जो मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका है वह भी अब ये विचार करने के लिए लगातार विवश हो रहा है कि या कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले या भाजपा विरोधी दलों वाले तो कहते भाजपा आ जाएगी खा जाएगी, भाजपा शासन में उनका विकास हो रहा है तो मुझे पूरा विश्वास है उनका भी वोट हमको मिलना शुरू होगा, ठीक से मिलना शुरू होगा। क्योंकि रघुवंशी चूंकि राष्ट्रभक्त भी है, हिंदूवादी भी है, उसका भारी भरकम वोट 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के पद पर फिर से बैठाने के लिए भारी समर्थन करेगा। भाजपा चुनाव के पूरी तरह तैयार थी, सपा साजिश की थी कि भाजपा पर यह आरोप लगाया जाए कि भाजपा जो है पिछड़ों का 27% आरक्षण नहीं देना चाहती है, लेकिन हम 27% आरक्षण देते हुए और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं और जिनका जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण का वो आरक्षण का अधिकार भी देंगे। और जो अनारक्षित क्षेत्र है, अनारक्षित माने वो अनारक्षित आरक्षित नहीं है, उसमें भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो उनको भी लड़ाएगा। ठीक, धन्यवाद।